नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास और इजराइल के बीच 3 दिनों से जारी जंग तेज होती जा रही है। इसमें अभी तक 1500 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 2000 से अधिक घायल है और ये कहां जाकर के थमेगी कहना बड़ा मुश्किल है। कैसे हमास ने एक साथ 5000 रॉकेट इजराइल पर दागे और उसका एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम काम नहीं कर पाया, उसे रोक नहीं पाया, जबकि आयरन डोम रॉकेट तोप मानवरहित विमानों और मोर्टार को ध्वस्त करने में सक्षम है। आखिरकार वो फेल कैसे हुआ? $1 अरब की लागत वाला आयरन डोम इजराइल के डिफेंस सिस्टम का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। विशेषज्ञों की माने तो ये डोम किसी भी टारगेट को 90% तक तैयार करने में सक्षम है। कम दूरी के हवाई खतरों को बेअसर करने के साथ हवा में किसी भी मिसाइल को रोकने में कारगर है। लेकिन शनिवार यानी 7 सितंबर को हुए हमास के हमले को रोकने में ये नाकाम साबित हुआ। आयरन डोम अब तक इजराइल की सबसे बड़ी ताकत माना जाता रहा है। हमास लंबे समय से इसकी कमजोरी का पता लगाने में जुटा था। हमास की ओर से हुए ताबड़तोड़ हमले ने इसकी पोल खोल करके रख दिया और हमास को उसकी कमजोरी का पता चल गया था। इसीलिए उसने एक ऐसी कारगर रणनीति बनाई कि सफल हो गया। हमलों के बाद पता चला है कि जब लगातार कम समय के अंतराल पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे जाते हैं तो आयरन डोम का डिफेंस सिस्टम रॉकेट की बारिश को रोक पाने में सक्षम नहीं होता है। 7 सितंबर को भी ऐसा ही हुआ। जब हमास ने ताबड़तोड़ हमले किए तो आयरन डोम के लिए इसे रोकना मुश्किल हो गया। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर हमास ने हमले तेज कर दिए और मात्र 20 से 25 मिनट में 5000 से ज़्यादा रॉकेट लॉन्च कर दिए। दुनिया देखती रह गई। इजराइल खुद हतप्रभ था कि ये सब आखिर हुआ कैसे। इजराइल की 2 कमजोरी मानी जा रही है। एक कि उसका खुफिया तंत्र यानी कि मोसाद कैसे फेल हुआ। हमास इतने दिनों से जंग की तैयारी कर रहा था, हमले की तैयारी कर रहा था और मोसाद को भनक तक नहीं लगी। अमेरिका भी फेल हुआ क्योंकि उसकी भी खुफिया इकाई बहुत एक्टिव रहती है। और दूसरा जो इसका एयर डिफेंस सिस्टम था आयरन डोम, उसका फेल होना इजराइल के लिए सबसे घातक साबित हुआ। आपको बता दें कि 2011 में इजराइल में आयरन डोम की तैनात हुई थी। इसे गाजा पट्टी से 40 किलोमीटर की दूरी पर इजराइल के दक्षिणी हिस्से में बसे शहर बीयरशेवा के पास तैनात किया गया। इजराइल के बाद पास अब ऐसी 10 यूनिट है। यह रडार की मदद से हवा में होने वाले हमलों का पता लगाता है। इसे इस तरह से तैयार किया गया है कि गाजा पट्टी से दागे जा चुके रॉकेट से निपटा जा सके। आयरन डोम में कई चीज़ें ऐसी लगी है जो एक साथ कोऑर्डिनेट करके काम करती है, जैसे रडार डिटेक्शन ट्रैकिंग सिस्टम, फायर कंट्रोल सिस्टम और मिसाइल लॉन्चर। इस आयरन डोम को राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने तैयार किया है। 2011 में शुरुआत के बाद यह इजराइल के सिक्योरिटी सिस्टम का हिस्सा बन गया और ऐसा माना गया कि इजराइल ने अपना डिफेंस सिस्टम इतना व्यवस्थित कर लिया है कि अब उस पर चरमपंथी संगठनों का हमला करना और तबाह करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हमास ने तैयारी करके जो हमला किया उससे इजराइल भी खुद चकित है और दुनिया भी कि आखिरकार ये सिस्टम फेल कैसे हुआ। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।